गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली इस वीडियो का मेन मोटिव है मेरा बनाने का, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई अगर आप हिली एरिया पे जा रखे हैं, जैसे कि अप हिल भी होता है और डाउन हिल भी होता है, और उस केस में अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, मान लो आपकी गाड़ी में अगर सीएनजी है, तो उस केस में क्या आप सीएनजी पे गाड़ी चला सकते हैं। और गाइस बहुत सारे लोगों का डाउट होता है अगर आप सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं तो पावर ड्रॉप होती है, मतलब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते और अप हिल पे ना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो गाइस ये देख लो अपने पास ये वाली गाड़ी है अल्टो, और ये आप देख सकते हो कंपनी फिटेड, इसमें सीएनजी है, ये देख के आप पहचान गए होंगे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ रखा था भाई मनाली में, ये मनाली का ही हाईवे जो दिल्ली की तरफ जा रहा है। मैं आया तो था 18 तारीख को, थोड़ा सा घूम घाम भी लिया, और इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी भी होगी, काफी इंजॉय किया होगा आपने। और यहाँ से जो जा रहे हैं हम नीचे की तरफ से ही गए थे भाई अपना मनाली की तरफ। तो गाइस अब मनाली से हम दिल्ली जा रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि भाई मनाली की तरफ अगर आप आते हो तो आपको भी अच्छे से पता है कि भाई अप हिल पे ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ओवरटेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मनाली से मैं अप्रोक्स 40 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि भाई सीएनजी हमें मिलेगी कहां पर, क्योंकि हिली एरिया पे तो मिलती नहीं है। तो गाइस आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ट्रिप भी मैंने जीरो कर दी थी मनाली से निकलते के साथ ही, और यहां पर आप देख सकते हो कि सीएनजी अभी भी फुल है। तो भाई मुझे मनाली में भी सीएनजी मिली है, ये बता देता हूं मैं आपको, ये गुड न्यूज है। बाकी एक चीज मैं बता दूं, मनाली में रेट थोड़ा ज्यादा था क्योंकि भाई पेट्रोल से ज्यादा महंगी थी भाई, ये लगा लो आप 97-98 कुछ रुपीज हमारा दिल्ली में है, और भाई यहाँ 110 रुपए केजी मैंने सीएनजी डलवाई है। तो गाइस अब देख लो आप आराम से 41 किलोमीटर यहाँ पर चली हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको इन रोडों पे 50-60 किलोमीटर चला के दिखा दूंगा भाई, करीबन 100-150 किलोमीटर चलाएंगे, ऐसे ही अप हिल पे भी चला के दिखाऊंगा और ओवरटेक करके भी दिखाऊंगा। और भाई डाउन हिल तो है यहाँ से जाते हुए, बट अप हिल भी आएगा, जहां पर अप हिल आएगा ना वहां पर आपको चला के दिखाऊंगा। मैं गाड़ी सीएनजी पे ही चलाऊंगा और चंडीगढ़ जाके मैं इसको फुल कराऊंगा, और ये भी देख लेंगे कि मैंने वहां से फुल सिलेंडर कराया था, कितना किलोमीटर चलेगी इस पूरे सिलेंडर में। तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये देखो अब मैंने तीसरे गियर में डाल रखी है गाड़ी, तीसरे गियर में भी ना यार आराम से जा रही है यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको देखो ओवरटेक भी कर दिया सेंट्रो जैसी गाड़ी को, आई थिंक ये पेट्रोल पे ही होगी, और अपनी गाड़ी आराम से सीएनजी पे चल रही है। हमें जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन मिलेगा ना भाई वो चंडीगढ़ में मिलेगा 254 किलोमीटर, और आप पेट्रोल देख सकते हो हमारी गाड़ी में अप्रोक्स अभी 2-3 पॉइंट तो है। पेट्रोल तो आप कहीं से भी डलवा सकते हो, हर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर में ना पेट्रोल पंप तो मिल ही जाता है मनाली वाले हाईवे पे। तो गाइस अब देखो हम सीएनजी पे ही बस को ओवरटेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और ये देखो जैसे कि आप देख सकते हो रोड अभी ये अप हिल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, चढ़ती जा रही है। आपको वो दिख रहा होगा अप हिल, ठीक है, और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं ये देखो, और अभी भी हम देख लो भाई सीएनजी पे ही चल रहे हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ, कई बहुत सारे लोग भाई बोले कि भाई आपने सीएनजी से हटा के पेट्रोल पे कर ली होगी, और ऐसा नहीं है। और अभी भाई मैं हूँ तीसरे गियर में, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाऊंगा और वहीं पे ही लेके जाऊंगा भाई, यहाँ से मैं लेफ्ट लेना है। और गाइज एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, मैं मनाली से जब से निकला हूँ सीएनजी पे ही गाड़ी चला रहा हूँ रेगुलर, मैंने पेट्रोल पे आधा किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई है। अब करते हैं भाई स्टार्ट, ये है हमारा अप हिल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। ये देखो भाई कितना ज्यादा अप हिल है, कैमरे में आपको इतना नहीं दिख रहा होगा बट सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अप हिल है, और हमारी गाड़ी यूं ही चढ़ती जा रही है भाई। और गाइस ये देख लो भाई सेकंड गियर में है, तो सेकंड गियर में ही देख लो, मेरे को फर्स्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आराम से पिकअप बन जा रहा है। बस ये है कि हमने एसी और हीटर तो ऑफ कर ही रखा है क्योंकि ठंड हो रही है इस टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब स्मूथली चढ़ गई यार अपनी गाड़ी। देखो गाइस एक चीज दिखाता हूँ, बड़ा हाथी छोटे हाथी को लेके जा रहा है, ये बड़ा हाथी है वो छोटा हाथी है। चलो भाई इसको ओवरटेक करते हैं। अब रोड देखो यार कितना ज्यादा बुरा है यहाँ का, थोड़े थोड़े पैच तो है यार मनाली के जो अभी भी ना बने नहीं है। तो गाइस आपको वो दिख रहा है वहां से गाड़ियां जा रही है ऊपर ऊपर, ठीक है, हमें भी वहीं पे ही जाना है अभी, ठीक है, और हमारी गाड़ी रहेगी सीएनजी पे। तो अब देखते हैं भाई ये सीएनजी पे ये वाला रूट कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो गाइज ये देखो कितना ज्यादा अपील है, हम यहाँ से गाड़ी चढ़ाएंगे भाई, वैसी उबड़ खाबड़ रोड है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं स्पीड में ले जा सकता हूँ, और आप नीचे भी देख लो भाई गाड़ी हमारी सीएनजी पे चल रही है, ठीक है, और गाड़ी का गियर जो है भाई वो मैंने अभी पहला डाला हुआ है क्योंकि यहाँ तो भाई मैं चाह के भी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, बट खैर कोई नहीं भाई मैं दूसरा भी डाल देता हूँ, दूसरे भी देखते हैं चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती। भाई बढ़िया चढ़ रही है यार, स्पीड भी देख लो आप 20 की स्पीड है। क्योंकि गड्ढा है यहाँ पर, बट मैं स्पीड कम नहीं कर रहा, बट गाड़ी अब पहला गियर मांग रही है, अब मैंने डाल दिया भाई पहला गियर,
गाड़ी हमारी आराम से घूम गई, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, सेम पेट्रोल की तरह ही चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट्रोल पे गाड़ी में चला रहा हूँ। भाई वहां पे थे यार हम, वहां से अब हम यहाँ पे आ गए यार। तो गाइस ये देखो भाई हम कैसे रोड पे आ गए हैं, वहां पर थोड़ा लैंडस्लाइड हुई थी, ये रोड सीधा सुंदर नगर ही निकलेगा तो इसी पे चल रहे हैं भाई। यहाँ देखो आप यार, मतलब क्या बोलूं, अपहिल ही है यार। ये देखो भाई सब कैसे चढ़ रही है गाड़ी, ये देखो भाई चढ़ गई सेकंड गियर में चढ़ गई यार। बढ़िया भाई बढ़िया, काफी मजा आ रहा है, थोड़ा सा आप इंजॉय करो यार। लो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं टोल रोड पे। भाई यहाँ से अभी भी चंडीगढ़ काफी दूर बचता है, और बाकी भाई अभी आप देखो हमारी गाड़ी कितनी चल गई है, 158 किलोमीटर और सीएनजी पे ही चल रहे हैं, 3 पॉइंट बचे हैं भाई ओनली। फाइनली आप देख सकते हो भाई ये हिमाचल वाला ही टोल आ चुका है, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से भाई पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो भाई फाइनली गुड न्यूज ये है कि हमारी गाड़ी ने 200 किलोमीटर अप्रोक्स करी दी है, मतलब वही 2 किलोमीटर बच रहा है बस भाई, और ये आप देख सकते हो लास्ट पॉइंट बचा है बस इसका, वो भी भाई काम कर रहा है। अब ये देखते हैं भाई ये वाला जो लास्ट का पॉइंट है ये कब तक चलेगा, कितना किलोमीटर और चलेगी, और हो सकता है इसी रूट पे से भाई मैंने सीएनजी डलवाई थी जब मैं मनाली जा रहा था, 200 किलोमीटर मनाली से पहले पड़ा था एक सीएनजी पंप, वो भी राइट साइड में पड़ा था। आप देखते हैं लेफ्ट साइड में पड़ता है नहीं पड़ता, नहीं तो फिर राइट साइड वाले पे ही डलवा लेंगे, था वो इसी रोड पे। तो गाइस अभी ना हम इसी रूट से जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो भाई मेरे को ये सीएनजी पंप दिखा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो भाई इसी सीएनजी पंप से ना मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है 210 किलोमीटर, ये देखो भाई ये वही जगह है जहां पर मैं खड़ा हुआ था और यहीं से मैंने सीएनजी डलवाई थी, मुझे अच्छे से याद है। ये भाई लास्ट सीएनजी पंप पड़ता है जब आप मनाली की तरफ जा रहे होते हो, तो भाई यहीं से ही डलवानी है हमें सीएनजी। और यहाँ था भाई कुछ 88 रुपीस केजी, और भाई मनाली में था 110 रुपए केजी। क्या चल तो रही है भैया, तो चलती रहेगी, ये तो बैटरी है। तो गाइस ये देखो भाई ये 88 रुपीस केजी है यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, भाई साहब कह रहे हैं लाइट ही नहीं है यहाँ पर, और यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है भाई, मैं यू टर्न लेके आया फालतू में, अब दोबारा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। यार खैर चलते हैं भाई अब वापस, 20-25 किलोमीटर दूर फिर दोबारा सीएनजी डलवाते हैं, लास्ट पॉइंट है ना यार, तो वो पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो बिलिंग भी करना स्टार्ट नहीं करा। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा भाई इन्होंने सीएनजी देने के लिए तो मना कर दिया, अब भाई देखो जो भी था हिली एरिया सारा का सारा खत्म हो चुका है, अभी आई थिंक हम बिलासपुर में हैं, बिलासपुर के आसपास ही है, तो यहाँ से मुश्किल से चंडीगढ़ बचता है 70-80 किलोमीटर, और ये बता रहे हैं 20-25 किलोमीटर दूर यहाँ से भाई अपना सीएनजी पंप है, तो हम वहाँ से फुल करा लेंगे। अब कोई हिली एरिया तो है नहीं, बस मुझे आपको ना हिल स्टेशन पे गाड़ी चला के दिखानी थी कि गाड़ी चलने में कैसी है, और भाई मैं सीरियसली बोलूं भाई मजाक नहीं कर रहा, वहां पर जब मैंने मनाली में टैंक फुल किया था भाई मुश्किल से प्रेशर कम था वहां पर, 2 पॉइंट कम थे, और देख लो आप 210 किलोमीटर चल गई और अभी भी गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट है, और एक लास्ट पॉइंट अभी भी है यार, ये देख लो आप। तो गाइस बस ये है, गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीएनजी पे आराम से चला सकते हो, ओवरटेक भी कर सकते हो, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, अगर आप सोच रहे हो कि पेट्रोल और डीजल की तरह आप अपने कोई भी गाड़ी ओवरटेक कर सकते हो तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा ना आपको पेशेंस के साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी अपनी। बाकी भाई सीरियसली बोलूं यार काफी कंफर्टेबल अपनी जर्नी रही है वाली, और अभी भी देख लो आप पेट्रोल भाई इसके अंदर 3 ही पॉइंट है, और मैंने 1 रुपए का पेट्रोल डलवाया भाई, मैंने सीएनजी पे गया हूँ, सीएनजी पे आया हूँ। गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप भी इजीली कर सकते हो भाई अपना दिल्ली टू मनाली या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हो, अब तो अच्छे हाईवे बन गए, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और आपका सबसे बड़ा डाउट था कि भाई हम मनाली जाते हुए या फिर हिली एरिया पे अपना सीएनजी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते गाड़ी के साथ, भाई आप आराम से कर सकते हो, मैंने कितनी गाड़ियां देखी है, अर्टिगा हो गई, अपना जेस्ट भी दिखाई है मैंने वीडियो में, आपने जैसे कि देखा मैंने वो क्लिप ऐड करी थी जहां मैंने मनाली में सीएनजी डलवा रहा था, वो भी भाई डीएल नंबर थी जो यहां से गई थी, सीएनजी पे गई और सीएनजी पे आई है, और भाई अपने धन्नों ने भी करके दिखा दिया। तो बस गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई सीएनजी पे कार चल सकती है
हिली एरिया पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा बस पिकअप की प्रॉब्लम होती है, बस और कुछ नहीं है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिन भाइयों के पास भी सीएनजी कार है और वो भाई अपना लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं हिली एरिया की तरफ, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।